गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री बी एल मेमोरियल अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में आपको सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस सेंड करे जाते हैं, जिनको कि देख करके आपको लर्न भी करना है और कॉपीज़ में वर्क भी करना है। कॉपीज़ में वर्क आपको नीटली बिल्कुल सफाई से करना है ना। तो आज मैं आपको प्रेप क्लास में हिंदी में ऊ की मात्रा के कुछ वाक्य बता रही हूँ, छोटी ऊ की मात्रा के कुछ वाक्य बता रही हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको ऊ की मात्रा के शब्द बताए थे, आज मैं आपको क्या बता रही हूँ, ऊ की मात्रा के वाक्य। वाक्य क्या होता है? कुछ शब्दों को मिलाकर के जो एक लाइन बनती है उसे वाक्य कहते हैं। तो इधर देखो, ब पे ऊ की मात्रा लगा दी बू ल, फिर ब पे ऊ की मात्रा लगा दी ल, ये क्या बन गया? बुलबुल। स पे ऊ की मात्रा लगाई सु ब ह, सुबह। आई आ ई, बुलबुल सुबह आई। क्या वाक्य है ये? बुलबुल सुबह आई। वापिस देखो इधर, ब पे ऊ की मात्रा ल, ब पे ऊ की मात्रा ल, बुलबुल। क पे आ की मात्रा का, ग पे आ की मात्रा गा, न पे आ की मात्रा ना गाना। स पे ऊ की मात्रा सु न सुन, बुलबुल का गाना सुन, बुलबुल का गाना सुन। बुलबुल सुबह आई, बुलबुल का गाना सुन। फिर है बुलबुल, बुलबुल च पे ऊ की मात्रा चुन, वापिस च पे ऊ की मात्रा चू और न चुन, कर दा ना, द पे आ की मात्रा दा, न पे आ की मात्रा ना दाना, ल पे आ की मात्रा ला ई, बुल बुल चुन चुन कर दाना लाई, बुल बुल चुन चुन कर दाना लाई। बुलबुल के लिए क्या कहा है देखो, पहले मैं वाक्य में बुलबुल सुबह आई, फिर बुलबुल का गाना सुन, बुलबुल चुन चुन कर दाना लाई, है ना। फिर है तो पे ऊ की मात्रा म, क पे ऊ की मात्रा और म, क पे ऊ की मात्रा लगाई तो कु, फिर म, फिर क पे ऊ की मात्रा लगाई कु और म, कुम कुम। उधर उधर, और ज पे आ की मात्रा जा, कुम कुम उधर जा। अब आपको क्या करना है, ऐसे नहीं बोलना है क पे ऊ की मात्रा, ब पे ऊ की मात्रा ऐसे नहीं बोलना है। क्या बोलोगे सीधे सीधे? बुल बुल, बू ल बुल, बुल बुल, सुबह सुबह आई, बुल बुल सुबह आई, बुल बुल का गाना सुन। आ की मात्रा भी नहीं बोलनी है, ऊ की मात्रा भी नहीं बोलनी है, डायरेक्ट बोलना है आपको। किस अक्षर के ऊपर ऊ की मात्रा है उस पे ऊ की आवाज निकाल करके उस अक्षर को बोलना है। जैसे ब पे ऊ की मात्रा है ना, तो आपको क्या बोलना है? बू ल बू ल, बुल बुल, ऐसे बोलना है सीधे, ऐसे नहीं बोलना है। ब पे ऊ की मात्रा ल, ब पे ऊ की मात्रा ल, बुल बुल, ऐसे नहीं बोलना है। अब
फिर देखो सुराही उठा कर भर सुराही उठाकर पानी भर। क्या भरना है सुराही में? पानी। क्या भरना है? पानी। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको और ऐसे ही बोलना है। साबुन। क्या है ये? साबुन। उठा, साबुन उठा। हाथ दुला। हाथ दुला। क्या है ये? हाथ दुला। चूहिया कुतर गई। फिर चूहिया भाग गई। अब देखो ये जो उ की मात्रा के वाक्य लिखाए हैं ये आपकी बुक में भी, हिंदी की बुक में पेज नंबर 23 पर उ की मात्रा के वाक्य दिए हुए हैं। आप बुक भी खोलेंगे, जब भी पढ़ाई करेंगे, जब भी ये वीडियोस देखेंगे, वर्क करेंगे अपनी कॉपीज में, तो बुक्स को भी खोलना है पेज नंबर 23 पर उ की मात्रा के वाक्य भी दिए हुए हैं। अब इधर देखो, मैं वापस पढ़ के बता रही हूँ आपको, वैसे के वैसे सुन सुन करके पढ़ना है और कॉपी में 2 times इनको लिखना है। मैं इतने ही वाक्य लिखा रही हूँ तो इतने भी आपको कॉपी में 2 times लिखना है। देखो, बुलबुल सुबह आई, बुलबुल का गाना सुन, बुलबुल चुन चुन कर दाना लाई, कुम कुम उधर जा, सुराही उठा कर पानी भर, साबुन उठा, हाथ धुला, चूहिया कुतर गई, चूहिया भाग गई। आ गया आपको समझ में? अब आप ये वीडियोस बार बार खोल करके देखेंगे, बार बार सुनेंगे, बुक का 23 नंबर का पेज खोलेंगे, उसमें ये वाक्य है, आप बार बार पढ़ना सीखेंगे। घर पे बैठ करके आपको बार बार पाठ पढ़ने हैं, जो जो मात्रा में सिखा रही हूँ उस मात्रा के पाठ आपको पढ़ने हैं, और कॉपीज में वर्क भी करना है। ये वर्क आपको 2 times करना है, बिल्कुल नीटली सफाई से जमा जमा के लिखना है, और इन वीडियोस को लाइक भी करना है। थैंक यू।